कानपुर में नाराज 75 पार्षदों ने मेयर प्रमिला पांडे को अपने सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए हैं। इस्तीफा सौंपे जाने की वजह कर्मचारियों और पार्षद के बीच झगड़ा बताया जा रहा है। दरअसल विवाद के बाद कर्मचारियों ने पार्षदों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर सारे कामकाज ठप कर दिए। पार्षदों ने भी इसे अपने आत्मसम्मान का मुद्दा बनाकर सर्वदलीय बैठक बुलाई और इसके बाद मेयर को अपने इस्तीफे सौंप दिए। संयुक्त पार्षद दल की बैठक बुलाई थी, सारे दलों के 110 पार्षद वहाँ उपस्थित थे और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर सम्मानजनक स्थिति में आज पार्षदों के सम्मान का विषय है, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, क्योंकि जिस तरह की हिलावाली यहाँ के ब्यूरोक्रेट, चाहे वो आयुक्त कानपुर मंडल हो, नगर आयुक्त हो, किसी ने भी संज्ञान न लेते हुए इस तरह के कर्मचारियों का हौसले जो बुलंद है, इससे कहीं ना कहीं जनित बाधित हो रहा है। सार्वजनिक एक ही पन्ने पर है, सबका दस्तखत। तो क्या इस्तीफा आपने स्वीकार किया? अब ये तो देखे गए हैं, अभी तो बताने की बात थोड़ा नहीं है कि मैं नगर आयुक्त को बुला के मैं उससे इस पर वार्ता करूँगी। भाई ये देखो पारिवारिक मामला है, इसको बैठ करके इसको समाप्त किया जाए।